Hello students, so welcome back again and a new lesson of class 12th RBSE and CBSE. Hey students, aaj hum Flamingo book ke second chapter Lost Spring, the stories of his stolen childhood par discuss karenge. Is chapter ko aaj padhenge apan aur sath hi sath mein hum discuss karenge probable questions jo board mein aane wale questions hain un par bhi. Aaiye students, aaj ki series mein अपन आज फ्लेमिंगो बुक का आपका सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग खोया हुआ बसंत द स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, इसमें बचपन की खोज यानी कि दो कहानियां हैं. एक कहानी इसमें रैग टेकर्स साहिब के बारे में और दूसरी जो स्टोरी है वो इसमें बेंगल मेकर्स जो मुकेश है उसकी कहानी है. आज की कहानी पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे रैग टेकर साहिब जो है उसकी कहानी के बारे में. डियर स्टूडेंट्स, कहानी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसके ऑथर का, इसके लेखक का परिचय क्या है. अनीस जंग 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद. अनीस जंग जिसका जन्म राउरकेला में हुआ था 1964 में एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद, और उसने अपना बचपन और किशोरावस्था जो है हैदराबाद में बिताई. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उसने अपनी शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड लेटर एजुकेशन शी हैज कंप्लीटेड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके माता और पिता अनीस जंग के जो दोनों पेरेंट मम्मी और पापा जो थे दोनों ही राइटर थे. अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, अनीस जंग ने भारत में एक लेखिका के रूप में अपनी वृत्ति को शुरू किया. शी हैज बीन एन एडिटर एंड ए कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड. इसके अलावा वह भारत में और विदेश में जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनकी संपादक और कॉलमनिस्ट भी रही हैं, अर्थात संपादकीय लेख लिखने वाली भी रही हैं. एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, उसने कई पुस्तकें जो हैं वो भी लिखी हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, प्रस्तुत जो अंश है वो उसकी पुस्तक लॉस्ट स्प्रिंग नाम से शीर्षक से जो उसकी पुस्तक है उससे लिया गया है. स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्ड, जिसके अंदर खोए हुए बचपन की कहानियां हैं. हियर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम द चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. यहाँ पर वह पीस देने वाली गरीबी, ग्राइंडिंग पॉवर्टी, पीस देने वाली जो गरीबी है एंड ट्रेडिशंस जो परंपराएं उनके बारे में विश्लेषण करती है. विच कंडेम दी चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो कि इन बच्चों को क्या करती है, गरीबी के अंदर जीवन जीने के लिए बाध्य कर देती. अबाउट द स्टोरी, आइए स्टूडेंट्स कहानी का थोड़ा सा हम समराइजेशन कर लेते हैं. इस कहानी को थोड़ा सा हम समरी में देख लेते हैं पहले, उसके बाद में हम सेंटेंस बाय सेंटेंस डिस्कस करेंगे पूरे लेसन. दिस लेसन इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम एनिस जंग्स बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये जो आपका लेसन है ये अनीस जंग की पुस्तक जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग उसका एक अंश है जिसमें स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड लिखी गई है, खोए हुए बचपन की कहानियां लिखी हुई. The brilliantly analyzes the pathetic conditions and poverty and traditions. यहाँ पर वो बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कारुणीय स्थिति और जो गरीबी है परंपराएं उनका विश्लेषण करती है. Which condemned the children like साहेब in सीमापुरी, जो कि सीमापुरी में रहने वाले साहेब जैसे बच्चों को क्या करती है, गरीबी में रहने के लिए बाध्य करती है. क्या वो जो पीस देने वाले गरीबी पैथेटिक कंडीशंस एंड ट्रेडिशंस है वो. एंड मुकेश इन फिरोजाबाद, और साथ ही साथ में फिरोजाबाद में रहने वाला मुकेश जो कि बेंगल मेकर है, ऐसे बच्चों को क्या करती है, ये गरीबी
एक एथेटिक लाइफ जो जीने के लिए उनको बाध्य कर देती है। तो लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अर्थात एक दयनीय जीवन जीने के लिए उनको बाउंड कर देती है। साहिब इज ए रैग पिकर, साहिब एक कच्चा बीनने वाला लड़का है हु स्टार्ट्स वर्किंग एट ए रोड साइड टी स्टॉल। उसके बाद में वह रोड साइड का जो टी स्टॉल है सड़क के किनारे एक चाय की दुकान है उस पर वो काम करना शुरू करता है। बट फील्स सफोकेटेड एंड नॉट फ्री, लेकिन वहां पे वो घुटन महसूस करता है, स्वतंत्रता महसूस नहीं करता है। दूसरी स्टोरी जो आपकी इसमें बैंगल मेकर मुकेश की, तो मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली एंड इज बीन मेकिंग बैंगल सिंस फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, चूड़ी बनाने वाला जो परिवार है उस परिवार से संबंध रखता है। बट ही इंटेंड्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशंस, लेकिन वो परंपराओं को तोड़ने का इरादा करता है एंड एस्पायर्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, और एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखता है, एक मोटर मैकेनिक बनने का ख्वाब देखता है। तो ये इस तरीके की स्टोरी है इसमें आपके लेसन में। ये स्टूडेंट यहाँ पर पाठ का जो सारांश है वो यही है कि जो बच्चे होते हैं गरीबी में पलते हैं बढ़ते हैं, ऐसे गरीबी के अंदर बढ़ने वाले जो बच्चे हैं, गरीबी उन लोगों को क्या करती है, अपने दुष्चक्र में फंसा लेती है, ऐसे बच्चों को अपने दुष्चक्र में फंसा लेती है। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, उस गरीबी में जो भी काम करते हैं वो उसको एक ट्रेडिशन मान लेते हैं, परंपरा मान लेते हैं, और आने वाली पीढ़ी भी क्या करती है उसी काम में फंसे जाती है। तो ये एक इस तरीके का आपका लेशन है जिसमें बचपन के खो जाने की दो कहानियां हैं, जिसमें पहली कहानी मैंने आपको बताई थी साहिब के बारे में, और दूसरी कहानी जो है वो बैंगल मेकर मुकेश के बारे में। आज की कहानी में अपन पहला पार्ट है जिसमें कचरा बीनने वाला साहिब है, हम उसकी कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे, उस कहानी को पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट्स इस स्टोरी को सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर मेरा जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके सेंटेंस बाय सेंटेंस पूरे लेसन पर। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मैं कूड़े कचरे में एक रुपया प्राप्त कर लेता हूँ। कभी कभी मुझे गार्बेज में क्या मिल जाता है, गार्बेज मीन्स रबीज, कूड़ा कचरा, कूड़े कचरे में मुझे एक रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैं ये बात साहेब से पूछती हूँ। यहाँ द वर्ड आई हियर रेफर फॉर द ऑथर एनीस जंग, ये बात आई किसके लिए है, एनीस जंग के लिए है। ऑथर जो इस लेसन का है एनीस जंग के लिए ये आई रेफर हुआ है। तो मैं उससे ये पूछ लेती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या कारण है ऐसा करने का, तुम कूड़े कचरे में एक रुपया क्यों प्राप्त करते हो। ये बात मैं साहिब से पूछती हूँ। Whom I encounter every morning clonging for gold in the garbage dumps of my neighborhood, जो कि मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस की कूड़ा फेंकने के स्थान पर ढूंढते हुए मिल जाता है, कूड़ा कचरा है उसमें गोल्ड तलाशते हुए मिल जाता है, उससे मेरा सामना हो जाता है। एनकाउंटर का मीनिंग क्या होता है, हैपन टू मीट, संयोग से मिल जाना, आमना सामना होना। तो ये बात मैं साहिब से पूछती हूँ जिसका प्रत्येक सुबह मेरा कहाँ सामना हो जाता है, मेरे पड़ोस की कूड़ा फेंकने के स्थान पर गोल्ड तलाशते हुए सामना हो जाता है। यहाँ पर गोल्ड क्या है, कूड़ा कचरा। स्क्रॉन्गिंग, स्क्रॉन्स का मीनिंग होता है गेट समथिंग फ्रॉम समबॉडीज बाय आस्किंग, किसी से कुछ मांग करके प्राप्त कर। तो यहाँ पर कूड़े कचरा फेंकने के स्थान पर धन मांगते हुए, धन ढूंढते हुए उसका मेरा क्या हो जाता है, सामना हो जाता है। ऐसे साहिब से मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, यानी कूड़े कचरे में तुम एक रुपया क्यों तलाशते हो, यानी एक रुपया है वो तुम्हें कैसे मिलता है। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका,
जो ढाका के हरे भरे मैदानों में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर उसकी दूर दूर तक की स्मृति में भी नहीं है, क्योंकि जब के पेरेंट्स ढाका से अपने उस घर को छोड़ करके आए थे उस समय साहिब की है जो वो बहुत छोटी थी, और साहिब को वो जो सीन है घर को छोड़ करके आने का वो उसकी स्मृति में अब नजदीक में भी नहीं है, दूर दूर तक उसकी यादों में भी नहीं है। क्यों छोड़ा था उन्होंने अपना घर? देर वार मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े तूफान आते थे और वो उनकी खेतों और घरों को बहा करके ले जाते थे। बड़े बड़े तूफानों के कारण से उनकी खेत और घर जो है वो तूफान के पानी में बह करके चले जाते थे। His mother tells him, ये बात उसको कौन बताती है? उसकी माँ बताती है कि घर को छोड़ने का, उनकी उनकी खेतों को और घरों को छोड़ने का रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि वहां पे बहुत से तूफान आते थे, बड़े बड़े तूफान आते थे, और वो तूफान उनके घरों को और खेतों को अपने साथ में बहा करके ले जाते थे। डियर स्टूडेंट्स, ढाका बांग्लादेश की राजधानी, और बांग्लादेश में कौन सी नदी का पानी जाता है, कौन सी नदी का बाढ़ आता है? आपने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुना होगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो बहते हुए आगे कहाँ चली जाती है? गंगा कहाँ चली जाती है? आगे ढाका की तरफ ही चली जाती है। तो इस तरीके से वो नदियां जब बारिश होती थी उस समय उनमें बाढ़ आ जाती थी, और बाढ़ के कारण से उनका जो पानी है वो तूफानी रूप ले लेता था और वो उनके घरों को और खेतों को अपने साथ में बहा करके ले जाता। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात उसको कौन बताती है? ये बात उसको उसकी माँ बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था उस समय साहिब की एज बहुत छोटी थी, और साहिब को उनके घर की छोड़ने का दृश्य है वो उसकी यादों में कहीं नजदीक भी नहीं है। वो घर कब छोड़ा था, कैसे छोड़ा था, ये जो मेमोरी है वो उसके माइंड में नहीं है, पता घर की उसे दूर दूर तक कोई स्मृति नहीं है, इसलिए उसकी माँ उसे बताती है वहां से घर छोड़ने का रीजन। दैट इज वाई द लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसीलिए उन्होंने उस शहर को छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेरी नाउ लिव्स, और धन की तलाश में इस बड़े शहर में आ गए जहां अब वह रहता है। I have nothing else to do. अब जो पहले क्वेश्चन किया था इसमें राइट ऑथर ने why do you do this, तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसका जवाब यहाँ पे इस लाइन में साइड देता है। I have nothing else to do. मेरे पास में करने के लिए कुछ नहीं है। He mutters. वह बड़बड़ाते हुए कहता है, गुदगुदाते हुए कहता है। Looking away. सीधा आगे की ओर देखते हुए। ऑथर कहती है, go to school. स्कूल चले जाओ। I say, मैं उसको ये बात कहती हूँ। I say glibly, अर्थात मैं उसको ये बात कैसे कहती हूँ, with aptness, चतुराई पूर्वक उसको कहती हूँ। glibly का मतलब क्या होता है? चतुराई पूर्वक। तो मैं उसे चतुराई पूर्वक कहती हूँ कि तुम स्कूल चले जाओ, करने के लिए और काम क्यों नहीं है तुम्हारे पास में, स्कूल है ना, तो go to school। I say glibly, मैं उसको ये बात कैसे कह देती हूँ, मैं उसको ये बात बड़ी चतुराई के साथ में कहती हूँ। Realizing immediately, तुरंत ये महसूस करते हुए, how hollow the advice must sound, कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगी होगी उसको। hollow का अर्थ क्या होता है? hollow का अर्थ होता है empty। तुरंत ही फिर मैं महसूस भी कर लेती हूँ कि मैंने उसको जो सलाह दी है वो मेरी सलाह उसको कितनी खोखली प्रतीत हुई होगी, कितनी empty, hollow का मतलब empty, कितनी बेकार की, कितनी खाली सी प्रतीत हुई होगी। There is no school in my neighborhood. मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। When they build one, I will go. जब ये बना देंगे, अर्थात जब कोई लोग उनको बनाएंगे तब मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे वन किसके लिए है? Anyone who will build a school. कोई भी व्यक्ति जो स्कूल बना देगा उसके लिए है। तो जब भी कोई व्यक्ति स्कूल बना देगा तब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे चला जाऊंगा। I will go. मैं अवश्य चला जाऊंगा। हियर डिटरमिनेशन विल इंडिकेटेड इन दिस सेंटेंस। देखिए आई के साथ में विल इंडिकेट किया गया। वैसे तो जनरल फ्यूचर में आई के साथ में और वी के साथ में सेल आता है, लेकिन यहाँ पे आई के साथ में विल बोला गया, विल लिखा गया, तो इसका मतलब मैं अवश्य चला जाऊंगा, डेफिनेटली चला जाऊंगा।
इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, ये बात मैं उसको थोड़ा मजाक के अंदाज में पूछती हूँ। हाफ जोकिंग का मतलब क्या होता है? मजाक के अंदाज। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ वह खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है। वह खुलकर के, ब्रॉडली का अर्थ होता है खुलकर के, खिलखिला करके मुस्कुराते हुए वो बोलता है हाँ मैं ऐसा कर लूंगा, अगर तुम स्कूल स्टार्ट करोगे तो मैं जरूर आऊंगा, मैं अवश्य ही आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, अब कुछ दिनों के बाद में मैं उसे मेरे पीछे दौड़ करके आते हुए देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी, और वो मुझे पीछे से आवाज लगाता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, अरे स्कूल बनने में वक्त लगता है, स्कूल बनाने में समय लगता है। आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, मैं उस वादे के ऊपर लज्जा महसूस करते हुए उसे कहती हूँ, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस जो मैंने उसके साथ में किया था, उस वायदे के ऊपर एम्ब्रेस फील करते हुए, एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, सेम ग्लानी शर्मिंदगी महसूस करते हुए मैं उसे कहती हूँ कि स्कूल बनाने में वक्त लगता है। दैट वॉज नॉट मेंट, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, यानी जो वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहता, जो मैं वास्तव में पूरा करना ही नहीं चाहती थी, ऐसा वादा करने के कारण गलानी से भरी हुई मैं उसको कहती हूँ स्कूल को बनाने में समय लगता है, यानी मेरा स्कूल बनाने का इरादा ही नहीं था, मैं तुम जाता हूँ, इसलिए उस वादे के ऊपर सेम फील करते हुए, उस वादे के ऊपर गलानी फील करते हुए मैं उसे कहती हूँ स्कूल बनने में तो वक्त लगता है। बट प्रॉमिस promises like mine abound in every corner of his bleak world, लेकिन मेरे जैसे वादे उसके फीके संसार, bleak का मीनिंग क्या होता है, bleak का मीनिंग होता है tearless, फीका, इसमें आनंद नहीं है, खुशी नहीं, लेकिन मेरे जैसे वादे उसके फीके संसार के हर कोने में भरे पड़े, यानी रूखे और आनंद रहित संसार में भरे पड़े, यानी कोई भी उसे मिलता है तो मेरा जैसा वादा उसके साथ में करके चले जा। After months of knowing him, महीनों तक उसको जान लेने के बाद में I asked him his name, मैं उससे उसका नाम पूछती, मैं उसको इंट्रोडक्शन पूछती, जवाब देता है साहिब आलम, वह घोषणा करता है साहिब आलम ही अनाउंसेज, वह घोषणा करता है कि मेरा नाम तो साहिब आलम है। It does not know how what it means, वह ये नहीं जानता है इसका क्या अर्थ होता है। It does not know what it means, इसका अर्थ क्या होता है, इस साहिब आलम शब्द का मीनिंग क्या होता है। If you he knew its meaning, अगर उसे इसका अर्थ मालूम हो जाए, a lord of the universe, जिसका अर्थ होता है संसार का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक, इसका साहिबे आलम वर्ल्ड का, he would have a hard time believing it, तो फिर तो वह क्या करेगा, मुश्किल से ही इस पर विश्वास कर पाएगा, he would have a hard time believing it, फिर तो उसको क्या होगा, अगर पता लग जाएगा तो उसे इस नाम पर विश्वास करना मुश्किल लगेगा, मुश्किल होगा कि मेरा नाम है वो ब्रह्मांड के स्वामी का नेतृत्व करता है, ब्रह्मांड के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसको ये पता चल जाएगा, इसका अर्थ मालूम हो जाएगा, अगर उस इसकी मीनिंग को जान जाएगा, इस ब्रह्मांड का स्वामी होता है, तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो मुश्किल से इस पे विश्वास कर पाएगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनभिज्ञ होते हुए कि उसका नाम किसका प्रतिनिधित्व करता है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, He roams the streets with his friends. वह क्या करता है? He wanders the streets with his friends. वह अपने मित्रों के साथ में गलियों में घूमता रहता है. Roams का हिंदी मीनिंग होता है घूमना, wanders, इधर उधर
चलना। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और उसके वो मित्र कौन है? ए आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, वो नंगे पांव चलने वाले लड़कों की एक फौज है। हु अपियर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नॉन, और वो लड़कों की, नंगे पांव चलने वाले लड़कों की जो फौज है वो कैसे अपियर होती है? मॉर्निंग बर्ड्स की तरह प्रतीत होती है, सुबह के पक्षियों की तरह अपियर होती है, प्रकट होती है, एंड डिसअपियर एट नॉन, और दोपहर होते होते वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। जैसे सुबह का पक्षी अपने घोंसले से निकल करके भोजन के लिए जाता है, और दोपहर होते होते वो वापस कहाँ लौट आता है? अपने घोंसले में वापस लौट करके आ जाता है। उसी प्रकार से साहेब के वो जो मित्र नंगे पांव चलने वाले बच्चों की जो फौज है उसके साथ में वो भी क्या करता है? वो भी गलियों में घूमता रहता है, क्या करने के लिए? कचरा बीनने के लिए। और उसके बाद में दोपहर होते होते वापस क्या हो जाते हैं? अपने कंपार्टमेंट में वापस लौट आते हैं, अपनी जो हट्स हैं उनमें वापस लौट आते हैं। तो इस तरीके से वो बच्चे भी उन मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपियर होते हैं, और डिस नून तक वो डिस अपियर हो जाते हैं, दृश्य हो जाते हैं, सड़कों से दिखने बंद हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों से मिलते रहने के कारण मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई। महीनों तक उनसे मुलाकात होने के कारण से मैं क्या क्या करने लग गई हूँ? आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लग गई हूँ, प्रत्येक को मैं जानने लग गई। व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है? तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहन रखी है? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, वो जवाब देता है कि मेरी माँ उन्हें ताक या टांग से नीचे नहीं उतारती है। मेरी माँ ने उन चप्पलों को क्या नहीं किया? सेल्फ से नीचे नहीं उतारा। सेल्फ का क्या मीनिंग होता है? सेल्फ क्या होती है? सेल्फ टांड होती है। सेल्फ वो जगह होती है, ए लॉन्ग फ्लैट पीस ऑफ वुड मेटल ग्लास इटीसी फिक्स्ड टू अ वॉल और ए कपबोर्ड यूज्ड फॉर पुटिंग थिंग्स ऑन, अर्थात दीवार के ऊपर किसी फ्लैट लकड़ी का फट्टा या फिर कोई मेटल का टुकड़ा जिसको सामान रखने के लिए फिक्स कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कहते हैं, उसे हम टांड कहते हैं, या फिर हम उसे इस नाम से जानते हैं, या फिर हम उसे ताक के नाम से भी जानते हैं। ये आंसर सिंपली वह साधारण तरीके से इस बात का जवाब देते हैं। कौन सी बात का जवाब देता है? जब लेखिका उसे पूछती है कि तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो, तो वो लड़का जवाब देता है कि मेरी माँ ने उनको क्या नहीं किया, उनको टांड से नीचे ही नहीं उतारा। इवन इफ ही डिड ही विल थ्रो देम ऑफ। अब एट्स अनदर, दूसरा लड़का जो वहां पे होता है वो ये बात जोड़ देता है, अगर वो उतार भी दे उनको, अगर वो टांड से उन चप्पलों को नीचे उतार भी दे, तो वो क्या करेगा? ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उनको फेंक देगा, पहनेगा नहीं, उनको फेंक देगा। एट्स अनदर, ये बात दूसरा जो लड़का है वहां पर वो ये बात जोड़ता है। हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और वो लड़का भी जूते पहने हुए जो आपस में मेल नहीं खाते हैं, आपस में मैच नहीं करते हैं, आपस में वो एक जैसे दिखते नहीं है, बेमेल जूते पहने। When I comment on it, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, यानी उसकी बीमेल जूतों पर टिप्पणी करती हूँ, तो वो लड़का क्या करता है? He shuffles his feet, तो वह अपने पैरों को shuffle, shuffle किसको कहते हैं? इधर उधर घसीटना। shuffle का मीनिंग क्या होता है? Shakes or moves randomly, यानी इधर उधर अपने पैरों को क्या करता है? घसीटता है। एंड सेज नथिंग, और कोई भी जवाब नहीं देता। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। एज ए थर्ड, वो वहीं पर एक तीसरा लड़का होता है, वो ये बात कहता है। वो हैज नेवर ओवन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूतों पर कभी स्वामित्व भी नहीं किया है, जिसने अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते जूतों पर अधिकार भी नहीं किया, यानी उसके पास में अपने पूरी लाइफ टाइम में एक जोड़ी जूते भी पहनने को उसको नहीं मिले।
ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन लाइक बेयरफुट। देश भर में घूमते हुए मैंने क्या किया है? ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों में और गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी नहीं है। नंगे पांव घूमते हैं ये उनके लिए किसकी कमी नहीं है? ये उनके लिए धन की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं होती है। तो किसकी कमी होती है? बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन नंगे पांव रहना एक परंपरा बन गई है। पैसों की कमी के कारण से वो नंगे पैर नहीं घूमते हैं, बल्कि नंगे पैर रहना उनकी एक ट्रेडिशन हो गई है, उनकी एक परंपरा बन गई है। उन्होंने इसको क्या बना लिया है? एक रिवाज बना लिया कि बेयरफुट रह करके ही कचरा बिना जाता है। इज वन एक्सप्लेनेशन, और ये एक स्पष्टीकरण है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं सोचती हूँ कि क्या सतत बनी रहने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या के लिए यही बहाना है, यही उनकी एकमात्र excuse है। Perpetual state of poverty, perpetual का मतलब लगातार सतत बनी रहने वाली, continue बने रहने वाली, continuous always time हमेशा रहने वाली, और एक कहते हैं कंडीशन। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है, आई वंडर, मैं विस्मय करती हूँ इस बात का कि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेटुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि क्या लगातार गरीबी में बने रहने का, लगातार गरीबी की इस स्थिति को दिखाने का, एक्सप्लेन करने का यही एकमात्र उनका तरीका है, यही एकमात्र उनका बहाना नहीं है क्या? आई रिमेम्बर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उद्दीपी। मुझे एक कहानी याद आती है जो उद्दीपी के एक आदमी के बारे में है। Once told me, मुझे एक बात सुनाई गई उद्दीपी के उस आदमी की कहानी, मुझे भी किसी ने सुनाई थी, मुझे वो कहानी याद है। As a young boy, he would go to school past an old temple. जब वह लड़का था तो वह स्कूल जाते वक्त एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था, पुराने मंदिर के पास से निकला करता था। Where his father was a priest, जहाँ पर उसके पिता क्या थे? A worshipper, priest कहते हैं worshipper, एक पुजारी थे। He would stop briefly at the temple, और वो लड़का थोड़े टाइम के लिए मंदिर पे ठहरता था। Briefly, briefly किसको कहते हैं students? थोड़े से टाइम के लिए, for a very short time. And pray for a pair of shoes, और वहां पर रुक कर वो एक जोड़ी जूतों की प्रार्थना करता था। 30 years later I visited his town and the temple. अब 30 साल के बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर में गई, उस लड़के के उस मंदिर में और कस्बे में मैं गई। Which was now dormant in an air of dissolution, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। वो कस्बा और मंदिर दोनों ही क्या हो गए थे? ड्रोन इन एन एयर ऑफ डिस्टॉल्यूशन, अर्थात उजाड़ के प्रभाव में डूब गया था। ड्रोन का अर्थ होता है डूब जाना, ठीक है ना स्टूडेंट? सबमर्ज, एयर कहते हैं इंप्रेशन को, और डिस्टॉल्यूशन कहते हैं द फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी लॉनली एंड अनहैप्पी। इसको कहते हैं डिस्टॉल्यूशन, द फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी लॉनली एंड अनहैप्पी, अर्थात उजाड़ का प्रभाव था, उस उजाड़ के प्रभाव में डूब गया था। कहने का मतलब मंदिर अब उजाड़ स्थल हो गया था, वहां पे एकांत माहौल हो गया था। Where lived the new priest? उसी जगह पर एक नया पुजारी रहता था। There were red and white plastic chairs, वहां पे लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां थी। A young boy dressed in a grey uniform, एक युवा लड़का जो कैसी ड्रेस पहने हुए था? स्लेटी रंग की गणवेश पहने हुए था, स्लेटी रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए था, स्लेटी रंग की पोशाक पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जुराब और जूते भी पहने हुए था, सॉक्स स्टॉकिंग्स होते हैं।
अराइव्ड पेंटिंग, वहां पे वो हाँकते हुए आया एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बैग, और उसने अपना जो बस्ता है वो फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया, डाल दिया। फोल्डिंग बेड इसको कहते हैं, बंद कर देने वाला, फोल्ड कर देने वाला जो बस बेड था, बेड के ऊपर उसने अपने उस बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय, उस लड़के को देख करके मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई, एडमिट टू द गुड एज जो उसने देवी माँ से की थी, वेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शू, जिसको आखिर में क्या मिल गया था, एक जोड़ी जूते प्राप्त हो गए थे, जिसको अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए थे, उस लड़के की प्रार्थना मुझे याद आ, लेट मी नेवर लूज देम, उसने आगे ये प्रार्थना भी की थी कि मैं इन्हें कभी भी न खोऊं, ये जो जूते हैं जो मुझे मिले हैं, लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं इन जूतों को कभी भी न खोऊं, वो प्रार्थना भी मुझे आया याद। द गोडेज हैड ग्रांटेड इज प्रेयर, देवी माँ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया था। ग्रांटेड, ग्रांटेड किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, एक्सेप्टेड, स्वीकार। यंग बॉय इज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, उसे पुजारी के पुत्र की तरह, छोटे लड़कों, छोटे जो लड़के थे, नाउ वो शूज, वो अब क्या पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रेज पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में कूड़ा कचरा बीनने वालों की तरह के अन्य बहुत से लड़के बिना जूतों के ही रहते हैं। उसके लड़के की तरह तो बहुत से लड़के जूते पहने हुए हैं, लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले कूड़ा कचरा बीनने वाले जो लोग हैं उनकी तरह अन्य बहुत से जो लड़के हैं वो कैसे रहते हैं, रिमेन शूलेस, अर्थात वो बिना जूतों के रहते हैं। रैग पिकर्स क्या होता है स्टूडेंट, दोज हु कलेक्ट गार्बेज, अर्थात वो जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं उनको रैग पिकर्स बोलते हैं। माई एक्विटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सिमापुर, नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा जो इंटरेक्शन है, मेरा जो एक्विटेंस है, वो मुझे कहाँ ले जाता है, मुझे सिंगापुरी ले जाता है, लीड्स मींस ले जाता है, एक्विटेंस मींस इंटरेक्शन। सिंगापुरी क्या है, ए प्लेस ऑन द प्रीफेरी ऑफ दिल्ली, सिंगापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित एक स्थान है। प्रीफेरी का मीनिंग क्या होता है, प्रीफेरी क्या चीज होती है डियर स्टूडेंट, प्रीफेरी होती है आउटस्किर्ट्स, आउटस्किर्ट्स बाहरी एरिया, सीमापुरी जो है वो दिल्ली का एक बाहरी क्षेत्र है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन वो अब भी इससे मिलियन दूर है, अब भी वो क्या है, दिल्ली का सीमावर्ती क्षेत्र है पर फिर भी ये दिल्ली से मिलियन दूर है, कैसे, मेटाफोरिकली, तुलनात्मक रूप से, लाक्षणिक रूप से। मेटाफोरिकली का मीनिंग क्या होता है, यूजिंग मेटाफर, अर्थात रूपक, तुलना को अगर यूज किया जाए, तुलना अगर ली जाए तो तुलनात्मक रूप से ये दिल्ली से क्या है, मिलू दूर है। दोज हु लिव्स हियर आर स्केटर्स, वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो क्या हैं, वो स्केटर्स हैं, गैर कानूनी तरीके से बसने वाले लोग हैं। स्केटर्स किसको कहते हैं, दोज हु सेटल डाउन समवेयर इलीगली, अर्थात वो लोग जो कि इलीगली रूप से रहते हैं, जिनके पास में रहने का कोई परमिशन नहीं होती है, जिनके पास में रहने के लिए कोई उनको अनुमति नहीं होती है, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, स्केटर्स कहलाते हैं। तो वो लोग जो सीमापुरी में रहते हैं वो स्केटर्स हैं, वो केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में यहाँ पर आए थे, 1971 में वो यहाँ पर कहाँ से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, और 1971 में वो बांग्लादेश से क्यों आए थे डियर स्टूडेंट, क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर के देश बना, और उस टाइम पर वो शरणार्थी के रूप में इंडिया में आए थे। तो वहां पर रहने वाले लोग स्वेटर्स हैं जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का परिवार जो है वो उन्हीं में से ही एक है।
वो देन वाइल्डनेस, सीमापुरी उस समय भी एक बीहड़ स्थल था। वाइल्डनेस किसको कहते हैं? वाइल्डनेस का अर्थ होता है वेस्टलैंड, बीहड़। इट स्टिल इज, और ये अभी भी है, और अब भी बीहड़ क्षेत्रीय है। बट इज नो लॉन्गर इन पट्टी, लेकिन अंतर इतना सा है कि अब ये खाली नहीं है, इन पट्टी नहीं है। बीहड़ स्थल तो अभी भी है, ये वेस्टलैंड अभी भी है, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूट्स ऑफ टिन एंड तिरपोलियन, टिन और तिरपोल के स्ट्रक्चर्स और मड, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इसके अलावा इसके मिट्टी के जो ढांचे हैं उन ढांचों में, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तिरपोलियन, जिनकी छतें किसकी होती हैं? तो टिन की होती हैं, तिरपाल की होती हैं। डिवॉइड ऑफ सेवेज, जो जलापूर्ति से वंचित हैं। डिवॉइड का अर्थ क्या होता है? डिवॉइड का अर्थ होता है विदाउट हीन, बिना। तो टिन और तिरपाल के नलहीन, जलापूर्ति विहीन, कच्चे जो घर हम कच्चे घरों में कौन रहते हैं? ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहां पर जल आपूर्ति नहीं हो पाती है, नाली व्यवस्था नहीं है, इस तरीके का उनका रहने का जो स्थल है वहां पे लिव 10,000 रेक पीकर, 10,000 कचरा बीनने वाले लोग निवास करते हैं, 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, जो यहाँ पर इतने साल से रह रहे हैं, जो यहाँ पर 30 वर्ष से भी ज्यादा समय से बिना पहचान के, बिना परमिट के रह रहे हैं, बिना पहचान के और बिना परमिट के। वो यहाँ पे आइडेंटिटी कहते हैं रिकॉग्निशन, अर्थात उनकी कोई पहचान नहीं है, बिना पहचान के वो यहाँ पे रह रहे हैं, बट विथ रेशन कार्ड, लेकिन उनके पास में क्या है? लेकिन उनके पास में रेशन कार्ड है, उनके पास में राशन कार्ड। राशन कार्ड किसको कहते हैं? क्या होता है राशन कार्ड स्टूडेंट? राशन कार्ड क्या होता है, किसको कहते हैं राशन कार्ड? राशन कार्ड जिससे सरकारी किसी भी स्टोर से अनाज खरीदा जा सकता है, उसका परमिशन लेटर होता है, उसको कहते हैं राशन कार्ड। लेकिन वो राशन कार्ड उनके पास में, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है, एंड इनेबल देम टू बाइंग ग्रेन, और वो राशन कार्ड उनको अनाज खरीदने के लिए समर्थ बना देता है, इनेबल कर देता है। और इस तरीके से वो राशन कार्ड उनको किस चीज में इनेबल कर देता है? अनाज को खरीदने में उनको समर्थ बना देता है। इनेबल का मीनिंग होता है समर्थ बनाना, एबल कर देना। इस तरीके से वो जो लोग यहाँ पे बिना परमिट के, बिना पहचान के रहते हैं, उनके पास में राशन कार्ड है, और राशन कार्ड से वो मतदाता सूची में अपने नाम जुड़वा लेते हैं, और मतदाता सूची में नाम जुड़ जाने के कारण से, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाने के कारण से वो अनाज खरीदने में समर्थ हो जाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिंदा रहने के लिए पहचान जरूरी नहीं है, पहचान की तुलना में भोजन है वो ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन करा सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और दुखते पेट के बिना, अर्थात पेट भर खा करके सो सकें, पेट भर खा करके सो सके, तो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो फिर हम उन खेतों की अपेक्षा यहीं पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको क्या नहीं किया, कोई अनाज नहीं दिया, यानी वो खेत जिन्होंने हमें किसी भी प्रकार का धान नहीं दिया, किसी भी प्रकार का अनाज नहीं दिया, ऐसे खेतों की तुलना में फिर हम इसी जगह पर रहना ही पसंद करेंगे। ए ग्रुप ऑफ वामेन इन टेटर्ड सारीज, ये बात कौन कहता है, ऐसा कौन बोलता है? ये बात फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई महिलाओं का जो एक ग्रुप है वो ये बात कहता है। टेटर्ड का अर्थ होता है टॉर्न एट सीम्स, फटा पुराना, टेटर्ड।
ये बात कटी पुरानी साड़ी पहनी हुई महिलाओं का एक समूह जो है वो कहता है, व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे एक क्वेश्चन करती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, तब मेरे को वो जवाब देती है कि अगर हम दिन के अंत में हमारे परिवारों को भोजन करवाने में और बिना पेट दर्द हुए सो जाने में समर्थ होते हैं, अर्थात खा पी करके पेट भर करके सो जाने में समर्थ हो जाते हैं, तो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नाउ ग्रेन, तो हम उन खेतों की तुलना में यहीं पर रहना पसंद करेंगे जिन्होंने हमें कोई धान नहीं दिया। और ये जवाब कौन देती है? ये फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई महिलाओं का एक समूह है, वो लेखिका को जवाब देता है। लेखिका जब उनसे ये क्वेश्चन करती है कि उन्होंने अपने हरे भरे खेत और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, वेरीवर दे फाइंड फूड, उन्हें जहां भी भोजन मिलता है, दे पिच देयर बिकमिंग पार्ट, दे पिच देयर टेंट्स, तो वहीं पर वो क्या कर देते हैं, वहीं पे वो अपने तंबू गाड़ देते हैं, जहां कहीं भी उनको भोजन प्राप्त होता है ना उसी जगह पे भी क्या कर देते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, वहीं पे वो अपने तंबू को गाड़ देते हैं और वो तंबू उनके क्या बन जाते हैं, इंट्रेंजिटिव, उनके वो अस्थायी घर बन जाते हैं, और वो जो उनके तंबू हैं वो तंबू उनके अस्थायी घर बन जाते हैं, अर्थात ट्रांजिस्टोम, और उनके वो जो तंबू हैं वो क्या बन जाते हैं, ट्रांजिस्ट घर बन जाते हैं, अर्थात अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनके अंदर बड़े होते हैं, और ऐसे ही घर उनमें वो बच्चे उनके जो वो क्या होते हैं, उनके साथ में बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो जिंदा रहने में उनके भागीदार बनते हैं, जीवित रहने में उनके भागीदार होते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक पीकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहने का मतलब क्या होता है, सीमापुरी में जिंदा रहने का मतलब होता है कचरा बीनना, कूड़ा कचरा चुनना, क्योंकि सीमापुरी में उत्तर जीविता का एक ही साधन है, और वो क्या साधन है, वो कूड़ा कचरा बीनना है। इस तरीके से सीमापुरी जो है उस सीमापुरी में सर्वाइवल करने का, जिंदा रहने का मतलब होता है कूड़ा कचरा बीनना। डियर स्टूडेंट, सर्वाइवल क्या चीज होती है, किसको कहते हैं, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में बने रहना, उत्तर जीविता में बने रहने का एक ही माध्यम होता है, और वो क्या है, कूड़ा कचरा। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्योर्ड दैट प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, और ये कूड़ा कचरा बीनना वर्षों की अवधि से क्या बन गई है, प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, अर्थात ललित कला का एक रूप बन गया है। प्रोपोर्शंस किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, प्रोपोर्शंस का मीनिंग क्या होता है, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है शेप, आकार, रूप, और फाइन आर्ट कहते हैं ललित कला। तो वर्षों तक कूड़ा कचरा जो बीनते हैं वो लोग, तो वर्षों तक, वर्षों की अवधि में कूड़ा कचरा बीनना उनके लिए क्या हो गया, एक ललित कला का आकार बन गया, एक ललित कला का रूप बन गया। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा कचरा उनके लिए सोना, धन संपत्ति होता है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोजाना की रोटी होता है, वो कूड़ा कचरा उनके लिए डेली ब्रेड होती है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, से उनकी सिरों के ऊपर वो छत होती है। इवन इट इज ए लीकिंग रूफ, भले ये एक टपकती हुई छत क्यों ना हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन, लेकिन एक बच्चे के लिए छत इससे भी कहीं ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी, यानी कभी कभी मैं 10 रुपये भी प्राप्त कर लेता हूँ, किससे, कूड़े कचरे को बेचकर। साहेब सेज इज आईज लाइटिंग अप, साहेब ये बात कहता है उसकी आंखें चमक उठती है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज, जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है, जब कूड़े कचरे में आप एक चांदी का सिक्का प्राप्त कर सकते हो, तो यू डोंट स्टॉप टू स्क्रॉन्जिंग From Jin, for there is a hope of finding more. तो भी आप ढूंढना बंद नहीं करते हो, क्योंकि ज्यादा पाने की आशा बनी रहती है, क्योंकि ज्यादा
प्राप्त करने की उम्मीद बंद जाती है। प्लांजिंग का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्लांज का अर्थ होता है सर्च फॉर, तलाश कर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े कचरे का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ है से भिन्न होता है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज ए रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई चीज होती है। रैप का अर्थ होता है लिपटा, रैप का अर्थ क्या होता है लिपटा, रैप मीन्स कवर। बच्चों के लिए कूड़ा कचरा वो आश्चर्य में कवर की गई एक चीज होती है। फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए जीवित रहने का एक माध्यम होता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साइड स्टैंडिंग बाई द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, एक सुबह की सर्दी की सुबह के समय में साहेब को कहां पर देखती हूँ, पास के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के नजदीक खड़े हुए देखती। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस द गेम, और वो वहां पर क्या करता है, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस द गेम अर्थात ड्रेस पहने हुए दो लोगों को देखता है। वह वहां पे ड्रेस पहने हुए तो जो लोग हैं उन दो लोगों को वो देखता है। ड्रेस्ड इन वाइट, सफेद ड्रेस पहने हुए, वह वहां पे सफेद ड्रेस पहने हुए तो जो युवा व्यक्ति हैं उनको खेल खेलते हुए देखता है। He hums, बड़बड़ाता है। He hums, वह वहां पे बड़बड़ाता है। I like the game, क्या कहते हुए, मैं गेम को पसंद करता हूँ, मुझे गेम अच्छा लगता है। He hums, वो बड़बड़ाता है। Content to watch it, वो इसको देख करके संतुष्ट है। वो वहां पे जो गेम चल रहा है उस गेम को खेलने की तुलना में इसको देख करके संतुष्ट है। It is standing behind the fence, कहां पर, बाड़ के पीछे खड़े रह करके। I go inside when no one is around, मैं अंदर चला जाता हूँ जब वहां कोई भी नहीं होता है, एंड जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर भी जाता हूँ। He admits, ये बात वो स्वीकार करता है। The gatekeeper lets me use the swing, और gatekeeper है वो क्या करता है, मुझे gatekeeper मुझे झूला काम में लेने देता है, अर्थात gatekeeper है वो मुझे झूले को झूलने के लिए अनुमति भी दे देता है। Type 2 is wearing tennis suit that look strange over his discolored shirt and shoes. Type B क्या पहने हुए है? Type B टेनिस खेलने वाले जूते पहने हुए है जो उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट और नेकर पर विचित्र लग रहे हैं। Strange का अर्थ था अवैध वर्ड, विचित्र, discolored, faded, जो उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट और नेकर पर अलग एक विचित्र तरीके से विचित्र से दिख रहे हैं। Someone gave them to me, किसी ने ये मुझे दिए। He says in the manner of an explanation, स्पष्टीकरण के ढंग में वो ये बात कहता है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, और तथ्य की बात तो ये है कि ये किसी धनिक लड़के के त्यागे हुए जूते हैं। Discarded, discarded का अर्थ होता है abandoned, abandoned, त्यागे हुए, छोड़े हुए। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, और उस धनाढ्य लड़के ने क्या कर दिया, शायद उनमें से एक में छेद हो जाने के कारण उन्हें पहनने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर। Does not bother him, और वो छेद से परेशान नहीं कर, इसको साहिब को, the word he near refer for the side, for one who has walked barefooted even so with a whole dream comes true, इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमते हैं छेद वाला जूता भी किसी सपने के सच होने से कम नहीं होता उनके लिए। But the game is watching so intently is out of his reach, लेकिन वो खेल जो वो देख रहा है जैसे intently ध्यान लगा करके attentively होकर के, ऐसा वो खेल जरूर क्या है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर है।
खेल वो नहीं खेल सकता। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन इज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह साहिब दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज स्टील कैनेस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनेस्टर है। कैनेस्टर मीन्स अ कंटेनर, कोई भी लिक्विड भरने का बर्तन। उसके हाथ में एक स्टील का कैनेस्टर है, स्टील का एक जो कह सकता हूँ कि केतली है उसके पास में। I now walk in it is tall down the road. अब मैं सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ। He says pointing in the distance. वह दूर की तरफ इशारा करके कहता है। I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन भी मिलता है। यानी मुझे क्या दिया जाता है, 800 रुपये और सारे टाइम का जो भोजन है वो दिया जाता है। Does he like the job? I ask. मैं उससे पूछती हूँ क्या वह जॉब को पसंद करता है। His face I see as lost carefree look. तभी मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे की निश्चिंता, बेफिक्री और स्वतंत्रता का जो भाव है वो क्या हो जाता है, खो जाता है। carefree look किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट? बेफिक्री को कहते हैं, carefree, बेफिक्री को कहते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता, फ्रीडम का जो सेंस है, उसके मूड है, भाव है, वो उसके चेहरे से खो जाता है। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. क्योंकि स्टील का कैनेस्टर वो प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज्यादा भारी लगता है उसे, जिसे वह बड़े आराम से अपने कंधे पे ले जाया करता था। क्यों क्यों लगता है उसे वो भारी? क्योंकि the bag was his. वो बैग जो था वो उसका खुद का था, थैला उसका स्वयं का था, जबकि The canister belongs to the man who owns the tea shop. जबकि कनस्टर उस आदमी का है जो चाय की दुकान का मालिक है। Owns the tea shop. Saib is no longer his own master. और अब साहिब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है, इसीलिए साहिब है वो चाय की दुकान पे काम करके क्या नहीं है, कंटेंट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। Dear student, in this way, we have completed this lesson. After lesson, dear students, अब bold probable questions से कुछ एक जिसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, why did Saib's family migrate to India? साहिब के परिवार ने भारत में migrate क्यों किया? तो वही है, तूफान आते थे, वो उनके खेतों को, घरों को भाग करके ले जाते थे, इस कारण से उन्होंने माइग्रेट किया। What do the people in slums think of garbage? कचरे के बारे में slums में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं? तो कचरे की जीविका का साधन सोचते हैं, अपने सिर की छत सोचते हैं, खाने की रोटी सोचते हैं, ठीक है ना। ये रिप्लाई है। Describe the living conditions of the children like Saib in slums. स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं साहिब की तरह, उनकी जीवन लिविंग कंडीशंस का वर्णन कीजिए। तो ये आप सीमापुरी वाला जो आपने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें पूरा डिटेल्स है, आपका जवाब वहाँ से रख दीजिए। और डू यू नो अबाउट साहिब एंड व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? साहिब के बारे में आप क्या जानते हैं और वह गार्बेज डंप में क्या लुकिंग फॉर कर रहा है, क्या तलाश कर रहा है? साहिब एक रैग पिक है जिसका परिवार ढाका से 1971 में भारत आया था, सीमापुरी में रहने लग गए थे, वहाँ पे वो कचरा बिन करके अपनी आजीविका चलाते हैं, ये इस जगह। डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी स्लम, ये आप सीमापुरी वाला पैराग्राफ उसमें पूरे में वहीं से इसका आंसर पिकअप कीजिए। व्हाई इज साहिब नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है क्योंकि साहिब वो अब अपनी खुद की मर्जी का मालिक नहीं रहा है, उसे अधीन होकर के काम करना पड़ रहा है। और इस तरीके से साहिब की जो स्वतंत्रता है वो खो जाती है और इसी कारण से साहिब वो टी स्टॉल पे काम करके नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ, इस चैप्टर की पहली स्टोरी आपकी पूरी हुई। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसका अगला पार्ट जो है टेंगल मेकर मुकेश की स्टोरी है उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये चैप्टर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।